जो होना था जो हो गया वो उससे ज्यादा तो होना चाहता। लड़की उठा ली और लड़की की डेथ भी हो गई। पुलिस की कोई कार्य प्रणाली सही नहीं रही। बस घटना हुई। मेरा नाम इंदल सिंह है जी और अल्फा फर्स्ट C58 पर हम रहते हैं। हमारे भाई साहब रहते हैं बड़े वाले और वहाँ पर 13-14 तारीख को एक लड़की का फोन आया हमारे घर पर। नेहा नाम की लड़की ने बोला कि लड़की से अपनी से बात करा दो। फोन हमने लड़की को दे दिया और उसके बाद में हमारी लड़की को उसने बाहर बुला लिया और उसके बाद हमारी लड़की का किडनैप हो गया। और उसके बाद जब हमने कॉल डिटेल निकलवाई उस नंबर पर, जब लड़की हमारी नहीं पहुंची, हमने ढूंढ खंगूर करी तो हमें लड़की नहीं मिली। और हमने कॉल डिटेल निकलवाई, जिस नंबर से हम पे फ़ोन आया था वो लड़की अंशुल नाम की निकली, वो बनवारीपुर की हापुड़ के उसके आहार के थाने के पास में। वहाँ पर हम गए, उस लड़की ने कबूल किया, मैंने फ़ोन किया था, मेरी बात हुई। तो उस लड़की ने बताया कि मेरे से तो मनवीर ने फ़ोन कराया था, तो ऐसे ऐसे इस अंशुल नेहा नाम की लड़की ने फ़ोन करके उठवाया, लेकिन हमारी पुलिस ने कोई नहीं सुनी। नेहा कौन है? नेहा ने क्यों उठवाया? क्या वजह थी उठवाने की? वो तो नेहा की वजह तो वो ही जानती है। जब हमने पुलिस को कहा कि इसने हमारी लड़की के पास और मनवीर ने फ़ोन कराया, हमने पूरी डिटेल पुलिस को दे दी, लेकिन पुलिस उसको उठाने के लिए नहीं गई। और जब गई उठा करके तो उससे पहले ही हम साथ में थे, आने से पहले थाने में उनके पास फोन आ गया पुलिस के पास। और हम तो इसमें यही समझते हैं कि हो सकता हमने पैसे नहीं दिए तो इस चक्कर में हमारी कार्रवाई नहीं की। और हमें कल सूचना मिली कि एक लावारिस वहाँ पर लेडी की किसी की डेड बॉडी है। वहाँ पर हम गए, हमने लड़की को अपनी को पहचाना और हमारी लड़की की डेड बॉडी हमें मेरठ में मिली। क्या करती थी आपकी लड़की? लड़की हमारी 10वीं के पेपर दिए थे अभी। नाम क्या था? क्या नाम था? नाम रजनी था। तीन लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना थाना स्तर से प्रारंभ की गई और विवेचना के दौरान एक अभियुक्त जो नामित था दिनेश, उसे गिरफ्तार किया गया और काफ़ी तलाश करने के बाद भी लड़की का पता नहीं चल पाया। और कल शाम को जनपद मेरठ के ग्राम कुड़ी थाना खरखौदा क्षेत्र में इस लड़की की डेड बॉडी बरामद हुई है, जिसका पोस्टमार्टम वहीं से मेरठ से कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये ज्ञात हुआ है कि इस लड़की की हत्या लगभग 2 सप्ताह पहले, अर्थात जब इसका अपहरण किया गया था उसके एक दिन के भीतर ही इसकी हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमने टीमें बना दी हैं, जल्दी उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। सर, उसके परिवार वालों का आरोप है कि काफ़ी दिन हो गए थे उसकी वो लगातार शिकायत कर रहे थे पुलिस से, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। मैंने जैसा कि आपको बताया, एक अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किया जा चुका है और 2 अभियुक्त नहीं गिरफ्तार हुए हैं, तो उनकी गिरफ्तारी शीघ्र ही की जाएगी। यहीं अल्फा वन में ही, यहीं पर ग्रेटर नोएडा में अल्फा वन भी रहती थी। कितनी उम्र थी लगभग इसकी? लगभग 15 साल। कौन लोग हैं वो जिन्होंने इसका अपहरण किया था? मैंने बताया आपको, मनवीर एक ड्राइवर है जिसके ऊपर आरोप है कि अपहरण उसने किया था। उसके साथ उसके और रिश्तेदार दिनेश और एक अन्य भी इसमें उसका सहयोग किए थे। इसमें से दिनेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ फिरौती की बात आई थी सामने? नहीं, फिरौती। हमने पुलिस को बताया कि लड़की हापुड़ में हो सकती है। हापुड़ भी हम गए, पुलिस वालों के साथ गए, वहाँ पे भी कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस वाले नहीं ले पाए। क्या नाम है आपकी लड़की का? कब? हमारी लड़की का नाम रजनी है। कब? और 13 तारीख की रात को अपहरण हुआ था घर से, मॉर्निंग में। किसने किया था अपहरण? ये मनवीर नाम का लड़का है और ये नेहा नाम की लड़की का फोन आया था शाम को, जिसके कहने पर सब ये हुआ है। कुल मिलाकर नेहा की अगर बात की जाए, कौन है नेहा, क्या रिलेशन नेहा, है आपकी लड़की से? नेहा भी सूरजपुर में पढ़ती। फिरौती की मांग की गई थी आपसे? फिरौती की कोई मांग नहीं की गई। और जिसमें ये विक्रम भी है एक, वहाँ पे उसी कुड़ी गांव का जो शामिल है।